अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं सिल्वर फिश करी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनता है। चलिए पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ये फिश करी हम ठंडा और गर्म दोनों मसाले में बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम मसाला देख लेते हैं। तो बड़े टीस्पून से 1 टीस्पून हम ले लेते हैं सरसों, मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जीरा लेंगे और 1 टीस्पून ले लेते हैं काली मिर्च। इसी में हम लेंगे 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। ये थोड़े से हम इसमें गरम मसाले डाल देना, तो इससे बहुत ही अच्छे से खुशबू आ जाती है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ले लेते हैं। इसी में हम ढेर सारी लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इसी में हम डाल देते हैं फ्राई की हुई प्याज। तो 2 प्याज को फ्राई कर लिया था हमने, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं। अगर प्याज की साइज ज़्यादा बड़ी हो तो आप 1 प्याज लें। इसी में हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। तो प्याज, टमाटर, ये लहसुन की कलियाँ हम ज़्यादा इसलिए यूज करते हैं ना कि इससे जो है ग्रेवी अच्छी बनती है। मसालों की क्वांटिटी थोड़ा कम यूज करके आप ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लें तो ग्रेवी भी अच्छी बनती है और काफ़ी लजीज भी बनता है। चलिए इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब इसी में हम ये सारे पाउडर मसाले भी डालकर एक बार मिक्सी जार को चला लेते हैं। तो मसाला तो रेडी हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1/4 kg सिल्वर फिश। इसे धो करके इसका पूरा पानी स्ट्रेन कर लें। अब मछली को फ्राई करने के लिए हमने लिया है 2 टीस्पून भर के गेहूं का आटा, 2 टीस्पून बेसन लेंगे, 1 टीस्पून भर के ले लेते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लेंगे नमक। तो इसे जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने नहीं ऐड किया है। अब मछली के एक एक पीसेस को हम आटे में अच्छी तरह से कोट करेंगे, उसके बाद जो है हम इसे फ्राई करते जाएंगे। इससे जो है मछली जो है बहुत ही अच्छी तरह से ना क्रिस्पी फ्राई होता है। तो दोनों साइड हम अच्छी तरह से आटे में कोट करेंगे, आटे और बेसन में, और ऑयल में हम इसे तुरंत डालते जाएंगे। तो जब कभी भी आप मछली बनाएं ना तो आप इसे जो है मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, सरसों के तेल में। तो यहाँ पर हमने तेल को पूरी तरह से गर्म कर लिया है, उसके बाद से हम जो है ये कोट किया हुआ मछली इसमें डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में जब ये हम मछली बनाते हैं ना तो बेहद लजीज बनती है। कोशिश करें आप सरसों का तेल यूज करें कुकिंग के लिए। तो जितना पीस इसमें एडजस्ट होगा उतना हम डालेंगे। और हाँ, ये सिल्वर फिश करी बनाने में हमें ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी कम लगती है क्योंकि ये इसमें काफ़ी ऑयल निकलता है जब हम फ्राई करते हैं। तो एक साइड जब अच्छा सा कलर आ जाए तब हम इसका साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से सारे पीसेस को हमें फ्राई करना है। तो हमने जो है यहाँ पर सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है। इसी ऑयल में हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना से जब हम ये तड़का लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसमें जो है और कुछ हम नहीं ऐड करेंगे, ऑयल गर्म है इसी में हम मेथी दाना डाल देते हैं और इसे हम कुछ सेकेंड तक चटकने देंगे। जब ये थोड़ा काला हो जाए इस तरह से, बिल्कुल ज़्यादा डार्क काला नहीं करना है वरना टेस्ट चेंज हो जाता है सब्जी का, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया है। मसाले डालकर तुरंत हम इसे कवर कर देते हैं, इससे जो है मसालों का फ्लेवर नहीं निकलता है और मसालों के छींटे भी नहीं उड़ते हैं। 1 मिनट बाद जो है हम लेड हटाएंगे और मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो भी उसमें मसाले लगे हैं ना वो मसाले साफ कर लेते हैं। तो अब जो है हमें मसालों में कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें नमक, मिर्च वगैरह सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसालों को हम यहाँ पर तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे और मसाला जो है पूरी तरह से दानेदार टाइप ना हो जाए। यहाँ पर आप मसालों का कलर देख सकते हैं। इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर मसालों को भूनते हुए 7 मिनट हो चुका है। यहाँ पर हम लिड हटाएंगे और आप देख सकते हैं मसालों से जो है काफ़ी ऑयल रिलीज हो चुका है। इसी में हम एक टुकड़ा ड्राई मैंगो का डालते हैं, जिसे खटाई बोलते हैं, सूखी हुई खटाई है ये। वैसे अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने इसमें टमाटर भी ऐड किया है खट्टेपन के लिए। यहाँ पर जो है मसाला परफेक्ट भून चुका है। तो मसाला जब भून जाए इस तरह से पूरा दानेदार टाइप हो जाए, तब हम इसमें डाल देते हैं पानी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों से पूरा ये ऑयल इस तरह से अलग हो चुका है और मसाला जो है पूरी तरह से दानेदार टाइप हो चुका है। ये परफेक्ट पहचान है मछली का मसाला भूनने का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो हम जो है 3 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। आप तो ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग जो है काफ़ी पतला ग्रेवी पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है थिक ग्रेवी पसंद करते हैं। बट यहाँ पर जो है हम आपको बता देते हैं, जब हम इसमें पीसेस ऐड करते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा थिक होता है। तो जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही पानी इसमें डालें। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम ग्रेवी को अच्छी तरह से उबलने देते हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए, पूरी तरह से उबाल आ जाए, तब हम जो है इसमें पीसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो किया है। अब पीसेस डालने के बाद जो है हम सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस चालू रखेंगे। अब सारे मछली के पीसेस को हम ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। वैसे अगर आपको जो है फ्राई फिश पसंद है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है मछली फिश फ्राई की बहुत ही सारी रेसिपीज है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपको बिरयानी पसंद है तो बिरयानी की भी रेसिपी हमने अपलोड की है। अब इसमें सारे पीसेस को ऐड करके हम इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसे ग्रेवी में पकाते ना तो काफ़ी ये सौगी हो जाता है और पीसेस जो है टूटने लगता है और ये जो सिल्वर फिश करी होता है बहुत ही ज़्यादा सौगी हो जाता है। इसलिए जो है ग्रेवी में डालने के बाद तुरंत आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। 1 मिनट आप इसे पकने दें, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब बारीक चुपके हुए धनिया की पत्ती डाल देते हैं और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे कवर करके ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद जो है हम इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका है सिल्वर फिश करी बनाने का। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें, जब कभी भी ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।